सो ऑल द लॉ एस्पिरेंट्स वेलकम यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. माय नेम इज सूर्या सर और मुझे ये पता है कि आप लॉ 3 इयर्स को लेकर काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन कर रहे हो. गाइज इफ़ यू आर अप्लाइंग इन 2022 और इवन आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर हो या फिर आप थर्ड ईयर में हो, लीगल फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, देन गाइज यू शुड बी अवेयर अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ 3 इयर्स. अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तो उसे पता करना बहुत जरूरी है गाइज. सो वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो, विल टॉक इन डिटेल अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू चूज लॉ एज अ करियर. सो लेट्स टॉक अबाउट द कोर्स फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट पैकेजेस, जॉब्स, करियर ऑप्शंस एंड एक्सेट्रा. बिफोर मूविंग फर्दर गाइज, वी हैव लॉन्च लॉ स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल नेम्ड एज मैनुअल लॉ एंट्रेंस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. काइंडली सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल, क्योंकि यहाँ आपको लीगल फील्ड रिलेटेड एंड लीगल एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड काफ़ी डिटेल्स मिलने वाली है. एंड बैचेस भी ऑलरेडी लॉन्च. अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो फॉर MH लॉ, CET, फॉर SLAT, फॉर CLAT, ILET, LSAT, DULLB, PHU लॉ, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना चाहते हो एंड वन आर टारगेट्स सम टॉप NLUs, NLU बैंगलोर, आई एम रोहतक, GLC, ILS, Symbiosis, NLU Delhi, NMIMS, then guys you can start preparation with us. We have started classroom coaching at Mumbai. Call on respective numbers and book your seat at Borivali, Vasai and Dadar Center. We also started crash course program for 2022, so you can call on respective number and you can book your seat. For that guys, one Google form link given in the description, fill this particular form and you will get a free counseling session from our experts. So jo bhi aapke doubts hai with respect to any particular entrance exam, just clear it guys. Okay, let's talk in detail about the course. So first of all, hume ye pata hona chahiye ki course ko lekar advantages kya hai aur uske disadvantages kya hai, kyunki aap law as a career option choose kar rahe ho, right? So advantages ke bare mein hum baad mein baat karenge, first of all disadvantages ke bare mein baat karenge, kyunki guys ek bar aapko advantages bataunga आप खुश हो जाओगे, फिर डिसएडवांटेजेस की बात करूंगा तो आपको लगेगा यार सर डीमोटिवेट कर रहे हैं. नहीं गाइज, मेरा मोटो आपको डीमोटिवेट करना नहीं है, लेकिन यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन बताना है. सो लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज फर्स्ट. काफ़ी टफ कोर्स है. अगर मैं लीगल सेक्शन की बात करूँ देन गाइज, लॉ इज अ टफ प्रोफेशन एंड द प्रैक्टिस ऑफ लॉ इज स्ट्रेसफुल और काफ़ी कंबसम है. टफ कोर्स इसलिए काफ़ी मोटी मोटी बुक पढ़नी पड़ेगी आपको, राइट? रेगुलर मोड है, ओके. डिस्टेंस में आप नहीं कर पाओगे. आपको 3 इयर्स की जो डिग्री है LLB 3 इयर्स, ये रेगुलर मोड से करनी है. अब आपको कॉलेज कोई प्रोवाइड करता है डिस्टेंस एजुकेशन या नहीं, लेकिन हाँ ये रेगुलर मोड है, ओके. टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है गाइज लॉ 3 इयर्स, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं ड्यूअल डिग्री के रिलेटेड. अब ये ड्यूअल डिग्री का मतलब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ आप आ रहे हो अपने ग्रेजुएशन के साथ, राइट? और उसके बाद अगेन आपको एक ग्रेजुएशन मिल रहा है जो कि है LLB 3 इयर्स. अब इस 3 इयर्स करने के चक्कर में किसी को लगता है कि यार मेरा ग्रेजुएशन हो रहा है आफ्टर 6 ईयर, ओके, क्योंकि मैंने 12th के बाद ग्रेजुएशन किया है आइदर फ्रॉम आर्ट्स, फ्रॉम कॉमर्स और फ्रॉम साइंस. अब यहाँ आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और उसके बाद अगेन आप ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ परस्यू कर रहे हो, ओके, LLB डिग्री. सो उनको ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या मेरी जो पहले डिग्री थी BA, BCom, BSc यही सही थे या फिर रिस्पेक्टिव कोई भी प्रोग्राम हो, ओके, वो सही थे या फिर ये लीगल की डिग्री, क्योंकि यहाँ जो पढ़ना पड़ रहा है यार काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और शायद ऐसा लग रहा है मैं बोर हो रहा हूँ. तो ये सिचुएशन हो जाती है स्टूडेंट की. लेकिन गाइज यहीं से आपको एक और फ़ायदा होता है और उसके बारे में मैं बात करूँगा इन एडवांटेजेस, कि आपके पास ड्यूअल डिग्री होती है और ये ड्यूअल डिग्री का क्या फ़ायदा है, इसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं. प्लेसमेंट्स, ओके, प्लेसमेंट को लेकर इतनी अच्छी प्लेसमेंट तो नहीं हो पाती, लेकिन यस गाइज यहाँ आपका करियर सेट है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. आफ्टर कोर्स यहाँ भी आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, ओके, वंस यू विल डू द प्रैक्टिस और प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट, ये लाइन तो हम सब जानते हैं. लेकिन जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे, जितने ऑप्शंस है वहाँ वो देखते जाओगे, वहाँ काम करते जाओगे, डेफिनेटली गाइज प्लेसमेंट पैकेजेस बहुत अच्छे अच्छे बढ़ने वाले हैं. काफ़ी अच्छे अच्छे सेक्टर है जहाँ आप काम कर सकते हो. आपको लॉयर बनना है या फिर लॉयर नहीं भी बनना है तो भी आप बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कर सकते हो, राइट? लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस फर्स्ट. प्रैक्टिस ओरिएंटेड कोर्स है, ओके, जितने आप प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ही सीखने वाले हो, ओके. अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, आपके पास काफ़ी अवेयरनेस होती है अबाउट ऑल द राइट्स एंड ड्यूटीज, और गाइज ऐसे लोगों की सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट होती है जो लीगल रिलेटेड टर्म्स जानता है और लीगल रिलेटेड जिसके पास सारी अवेयरनेस है. डाइवर्सिटी, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस दे, ओके, जहां आप अपना करियर सेट कर सकते हो. नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको, क्यों? क्योंकि आप जो अपना काम का टाइम है वो आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो, ओके. सेम
अगेन आप जो आपकी फीस है वो आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो. सो अबाउट द मनी, अबाउट द टाइम, वो आपके हाथ में होता है. सो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ है. प्रेस्टीज गाइस, सोसाइटी में उनकी इज्जत होती है जो किसी स्टेटस पर होते हैं, किसी पद पर होते हैं. सो यहाँ बीइंग अ लॉयर, ओके, आपको सबसे अच्छा रिस्पेक्ट मिलने वाला है. ओके गाइस, और एक बात बता दूं, वकील की नहीं चलती है ऐसा कभी हो नहीं पाया गाइस. ओके, अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ, अगेन आई एम सेइंग अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ. यहाँ प्लेसमेंट पैकेजेस के बारे में मैंने बात की है कि प्लेसमेंट आपको काफ़ी कम मिल सकती है, राइट, 3 to 4, ओके, या फिर 5 to 6, या फिर मैक्स 8 to 10 lakh पर एनम, इतना मिल सकता है. लेकिन क्या हमारी शुरुआत वैसे हो सकती है? नहीं गाइस, शुरुआत काफ़ी स्लो हो सकती है. और उसके बाद जैसे ही आप एक सर्टन टाइम पीरियड वहाँ एक्सपीरियंस गेन करेंगे, डेफिनेटली गाइस आगे करियर ऑप्शंस बहुत सारे. सो कोर्स के बारे में तो हमने पता कर लिया, अब बात करते हैं कि करियर ऑप्शंस क्या है. अगर आपको लॉयर बनना है गाइस, तो आप इन सारे फील्ड्स में काम कर सकते हो, लाइक लीगल फर्म्स, लिटिगेशन, एकेडमिक्स. ओके, लॉ टीचर बन सकते हो आप, लॉयर, सॉलिसिटर्स, जुडिशियल सर्विसेज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर, वहाँ भी आप काम कर सकते हो. नॉन लॉयर फील्ड, लीगल फर्म्स, अगेन वहाँ भी आप काम कर सकते हो. काफ़ी सारे कॉर्पोरेट कंपनीज है. ओके, कॉर्पोरेट लॉ में जा सकते हो आप, लीगल रिसेप्शनिस्ट, नोटरी, एडमिनिस्ट्रेटर, फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी बन सकते हो, लीगल सेक्रेटरी, पैरालीगल, लिटिगेशन सपोर्ट, काफ़ी सारे काम होते हैं जहाँ आप सपोर्ट कर सकते हो. सो करियर ऑप्शंस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है गाइज. एंड वंस अगेन आई एम सेइंग गाइज, दिस इज मॉडर्न वर्ल्ड और यहाँ काफ़ी सारे नेसेसरी चेंजेस आने हैं और हो भी रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू जो लीगल टर्म्स है उनकी भी ज़रूरत है, और लीगल फॉर्मेलिटीज है उनकी भी ज़रूरत है. सो अगेन ये क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटीज. ओके गाइस, जितने चेंजेस आने वाले हैं अगेन ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाला है. सो इसका फ़ायदा किसे होने वाला है? आपको होने वाला है. एंड जॉब्स के बारे में अगर मैं बात कर दूँ, सो जैसे कि मैंने कहा था कि डिसएडवांटेजेस में आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि आपके पास 2 degrees है, राइट, क्योंकि आपने 12th के बाद एक ग्रेजुएशन किया है, एंड ग्रेजुएशन के बाद आप अगेन एक ग्रेजुएशन डिग्री हासिल कर रहे हो जो कि है आपकी LLB. अब जॉब के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, और जो भी स्टूडेंट्स LLB 3 years के लिए कंफ्यूज है, ओके, फर्स्ट ईयर उन्होंने कर लिया है, सेकंड ईयर में एडमिशन ले लिया है अभी, अब सेकंड ईयर कर रहे हैं LLB का, और उनको लग रहा है कि नहीं यार मुझसे ये पढ़ाई नहीं हो पाएगी, डोंट वरी गाइज, आपके पास एक डिग्री ऑलरेडी है जो कि BA LLB वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास नहीं हो पाती, क्योंकि ये 5 years का प्रोग्राम है, राइट. आफ्टर 12th आप 5 years का प्रोग्राम परस्यू करते हो, लेकिन यहाँ आप आफ्टर ग्रेजुएशन 3 years का प्रोग्राम परस्यू करते हो. अगर आपको ये LLB यहाँ आप बोर हो चुके हो, आपको लगता है ये पढ़ाई नहीं हो पाएगी, देन डोंट वरी गाइज, आपके पास ये ग्रेजुएशन ऑलरेडी है, यहाँ आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया ही है, आपने पढ़ाई की है. ओके, कुछ नहीं गाइज, यहाँ थोड़ी सी हिम्मत रखनी है आपके, आपको 12 degrees आपके पास हो जाएगी, एक ग्रेजुएशन ये फील्ड है और एक आपकी ये फील्ड है. ओके, और अगर ये फील्ड आपको बोर लग रही है, देन अगेन आप यहाँ से अपना करियर ऑप्शन वापस चूज कर सकते हो. नाउ बहुत सारे करियर ऑप्शंस है गाइस, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए अलग अलग टाइप्स है लॉ के, बिजनेस लॉ, फैमिली लॉ, साइबर लॉ, मिलिट्री लॉ, इमिग्रेशन लॉयर, इंटरनेशनल लॉ, कॉरपोरेट लॉयर, एनवायरमेंटल लॉ, रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी लॉ, काफ़ी बढ़ रहे हैं गाइस. तो यहाँ ज़रूरत है हर किसी की. लेबर लॉ, अगेन फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटीज लॉ. सो जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, आपको ये चिंता नहीं करनी है कि मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, कहीं हायरिंग है, वैकेंसीज है, नहीं है, ऑलवेज है गाइस और ऑलवेज रहने वाली है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर एंड द प्लेसमेंट पैकेजेस. अब फीस हमें कैसे पता चलने वाली है? जब हम रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को टारगेट करेंगे. अब कॉलेजेस कौन कौन से हैं? GLC मुंबई, एशियाज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द लीगल फील्ड, ILS पुणे, NLSIU बेंगलुरु, द बाप ऑफ ऑल द NLUs. गाइज अगर NLU टारगेट करना चाहते हो, देन NLSIU ने एक एग्जाम लॉन्च की है, दैट इज NLSAT, और उसको क्रैक करने के बाद आप 3 years प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो थ्रू NLU बेंगलुरु. और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे NLUs और भी आने वाले हैं जो 3 years का प्रोग्राम ऑफर करने वाले हैं. दे आफ्टर DU LLB लॉ सेंटर्स, वहाँ से भी आप परस्यू कर सकते हो. BHU गाइज, दे आफ्टर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. गाइज BHU इज क्वाइट फेमस फॉर द लीगल प्रोग्राम्स. ओके, OP जिंदाल प्राइवेट वन, सिम्बायोसिस, यहाँ से भी आप उनके रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के बाद एडमिशन ले सकते हो. अब आफ्टर क्रैकिंग एंट्रेंस एग्जाम, अब एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तो करना ही है आपको, बट डोंट वरी फॉर दैट, यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद द मैनुअल. एंड लेट्स टॉक अबाउट द फीस स्ट्रक्चर. सो फीस स्ट्रक्चर काफ़ी नॉमिनेट है गाइज, लीगल प्रोग्राम्स को लेकर काफ़ी कम फीस है. आप फीस फाइंड आउट कर लोगे, महाराष्ट्र से करना है, यू कैन फाइंड 6,000 पर ईयर और 30,000 पर ईयर.
ओके सो 6 to 30 के बीच में आपको काफ़ी सारे फिगर्स मिलने वाले हैं, काफ़ी सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है और हद से हद 30 to 40,000 पर एनम है। सो वहाँ से आप LLB परस्यू कर सकते हो एंड 2.5 लाख जो कि है NLU से और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से। सो वहाँ से भी आप लीगल प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो। नाउ ROI की बात करूँ देन गाइज यू कैन टारगेट महाराष्ट्र लॉ कॉलेजेस, जहाँ कुछ टॉप कॉलेजेस आपको बेस्ट प्लेसमेंट पैकेजेस प्रोवाइड करने वाली है एंड फी स्ट्रक्चर आपकी काफ़ी नॉमिनेट होने वाली है। सो दे विल प्रोवाइड बेस्ट ROI। अगेन NLU बेंगलोर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, लेकिन इसको लेकर स्टैट्स हमें बाद में मिलने वाले हैं। बट यस, अगर BLLB प्रोग्राम की बात करें देन काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट पैकेजेस है। सो सेम मुझे लगता है कि यहाँ भी LLB ग्रेजुएट्स को काफ़ी अच्छा पैकेजेस मिल सकता है। नाउ ऑल ओवर इंडिया काफ़ी सारे लीगल फर्म्स है, कॉरपोरेट लॉ कंपनीज है जहाँ आप काम कर सकते हो, जहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस मिल सकते हैं। लाइक स्टार्टिंग में काफ़ी कम पैकेजेस हो सकता है, 3 to 4 लाख पर एनम। ओके, कुछ कॉलेजेस है जो प्रोवाइड करने वाले 6 to 7 लाख पर एनम एंड कुछ कॉलेजेस 10 to 12 लाख पर एनम का पैकेज। सो गाइज अगर मैं बात करूँ, वंस इफ़ यू ग्रेजुएटेड एंड आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और इन कैंपस अगर आपका इंटरव्यू होता है और आपको अगर ये पैकेज मिलता है, सो गाइज इट्स वर्थ, क्योंकि यहाँ से आपकी गाड़ी आगे चलने वाली है, यहाँ से आप और एक्सपीरियंस गेन करने वाले हो और ये पैकेजेस ऑब्वियसली ये बढ़ने ही वाले हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है गाइज देन काइंडली हिट दी लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड अगर कुछ डाउट्स है देन आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी ऑफ योर क्वेरीज। सो दैट्स ऑल, लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन विद द मैनुअल क्लासरूम कोचिंग एट मुंबई। Call on respective numbers and book your seat. You can also visit our website for all exam updates and notifications. You can also follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. That's all guys. All the best for your career. See you on the next video.